जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सूर्य देव की महिमा, जिसे सुनने मात्र से घर में सुख समृद्धि आती है। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहते थे। उन दोनों की कोई संतान नहीं थी। उसी गांव में एक किसान भी रहता था। एक दिन किसान खेत पर जा रहा था, तभी घर से साहूकार भी निकला। साहूकार को देखकर किसान बोला, हे भगवान, आज का दिन कैसा जाएगा। साहूकार ने यह बात सुन ली और इस बात का उसे बहुत दुख हुआ। जब वह शाम को घर वापस आया तो उसने यह बात साहूकारनी को बताई। साहूकारनी भी उदास होते हुए बोली, हाँ, आज आंगन में एक चिड़िया आई थी, वह भी यह कहकर उड़ गई। इस घर में दाने कहाँ से मिलेंगे, जिस घर में बच्चे नहीं हैं। दोनों बहुत दुखी हुए और पूरी निष्ठा से सूर्य भगवान की पूजा आराधना एवं जल अर्पित करना शुरू कर दिया। उनकी इस भक्ति से भगवान सूर्य देव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ हूँ और तुम्हें सर्वगुण संपन्न एक कन्या की प्राप्ति का वरदान देता हूँ। और यह कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। नवे महीने में ही साहूकारनी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और उनका परिवार पूरा हो गया और दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा। सूर्यदेव की कृपा से जन्मी वह कन्या जब सोकर उठती तो उसके मुंह से हीरे और मोती झड़ते। यह देखकर साहूकारनी बहुत खुश हुई और यह बात उसने किसी को भी नहीं बताई, यहाँ तक कि अपने पति से भी नहीं बताई। साहूकारनी सबसे पहले अपने बेटी को जगाती थी। समय के साथ वह कन्या बड़ी होने लगी और अपने माता पिता के भांति सूर्यदेव की पूजा करने लगी और जल चढ़ाने लगी। एक दिन कन्या को बड़े होते देख साहूकारनी बोली कि पुत्री का विवाह एक ऐसे युवक से करें जो हमारे घर में घर जमाई बनकर रहे। साहूकारनी ने ऐसा ही किया, एक गरीब युवक को देखकर अपनी कन्या का विवाह कर दिया और युवक से बोली, हमारा एक नियम है कि मैं सबसे पहले सुबह उठकर अपनी पुत्री का चेहरा देखती हूँ और अपने दिन का शुरुआत करती हूँ। लड़की ने कहा, कोई बात नहीं। धीरे धीरे जब रोज सुबह साहूकारनी अपनी कन्या को जगाने जाती तो लड़के को बुरा लगने लगा, परंतु लड़की ने कहा, यह तो मेरी माता का मेरे प्रति प्रेम है। एक दिन साहूकारनी को नींद लग गई और वह अपनी बेटी को जगाने नहीं जा पाई। तब उसके पति ने उसे जगाया। लड़की के मुंह से हीरे मोती झड़ते देख साहूकारनी के लालच को वह तुरंत समझ गया। जब साहूकारनी वहां पर आए तब उसने देखा कि लड़की जगी हुई है। वह समझ गई कि दामाद को सारी बात पता लग गई है। वह लालच में इतनी अंधी हो चुकी थी कि उसने अपने दामाद को मरवा कर उसका सिर कटवा कर अपने पास रख लिया। इधर सूर्यदेव ने सोचा कि मेरे द्वारा दी हुई कन्या के पति को मरवा दिया गया है, मुझे उसके सुहाग की रक्षा करनी होगी। सूर्यदेव ने ब्राह्मण का रूप रखा और भिक्षा में साहूकारनी से जमाई का सिर ले लिया। सिर लेकर सूर्यदेव ने सिर को धड़ से जोड़ दिया। इसके बाद अमृत लगाकर जमाई को जीवित कर दिया। इधर उस दिन साहूकार की बेटी ने रविवार का व्रत किया था। शाम को उसके पति को आने में देर हो गई। तब लड़की ने कहा, क्या आपको पता नहीं है कि मैं रविवार को सूर्यदेव का व्रत रहती हूँ और एक बार अगर सूर्य अस्त हो जाए तो सीधे अगले दिन ही भोजन कर सकते हैं। यह सुनकर उसके पति ने साहूकारनी की सारी बात उसे बता दी। यह जानकर लड़की बहुत नाराज हुई और बोली,
अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, अपने घर चलेंगे। उसने सारा सामान रख लिया और ससुराल जाने के लिए तैयार हो गई। जब साहूकारनी को यह बात पता चली तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। जैसे ही वह ससुराल गई, उसके घर में सुख समृद्धि सौभाग्य का वास हुआ और वह हंसी खुशी अपने पुत्र पौत्र के साथ रहने लगी और अंत में वह सूर्यलोक को प्राप्त हुई। हे सूर्यदेव, भगवान जैसा भाग्य उस लड़की को दिया वैसा सबको देना। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य को ही माना गया है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है और वैदिक काल में आर्य सूर्य को ही सारे जगत का कर्ता धर्ता मानते थे। सूर्य का शब्द का अर्थ है सर्व प्रेरक, सर्व प्रकाशक, सर्व प्रवर्तक और सर्व कल्याणकारी। ऋग्वेद के अनुसार देवताओं में सूर्य का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। यजुर्वेद ने चछो सूर्यो जायत कहकर सूर्य को भगवान का नेत्र माना है। वही ब्रह्मवैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा स्वरूप बताया गया है। गायत्री मंत्र सूर्य परक ही है। सूर्योपनिषद में सूर्य को ही संपूर्ण जगत की आत्मा तथा ब्रह्म बताया गया है। ऐसे परम देव सूर्य के जन्म की कथा भी अनोखी है। विशेष रूप से इस बारे में दो कथाएं प्रचलित हैं। सूर्य और चंद्र इस पृथ्वी के सबसे साक्षात देवता हैं, जो हमें प्रत्यक्ष उनके सर्वोच्च दिव्य स्वरूप में दिखाई देते हैं। वेदों में सूर्य को जगत की आत्मा कहा गया है। समस्त चराचर जगत की आत्मा सूर्य ही है। सूर्य से ही इस पृथ्वी पर जीवन है। वैदिक काल से ही भारत में सूर्योपासना का प्रचलन रहा है। वेदों की ऋचाओं में अनेक स्थानों पर सूर्य देव की स्तुति की गई है। पुराणों में सूर्य की उत्पत्ति, प्रभाव, स्तुति, मंत्र इत्यादि विस्तार से मिलते हैं। ज्योतिष शास्त्रों में नौ ग्रहों में सूर्य को राजा का पद प्राप्त है। मार्कंडेय पुराण के अनुसार पहले यह संपूर्ण जगत प्रकाश रहित था। उस समय कमल योनि ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मुख से प्रथम शब्द ओम निकला, जो सूर्य का तेज रूपी सूक्ष्म रूप था। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के चार मुखों से चार वेद प्रकट हुए, जो ओम के तेज में एकाकार हो गए। यह वैदिक तेज ही आदित्य है, जो विश्व का अविनाशी कारण है। ये वेद स्वरूप सूर्य ही सृष्टि की उत्पत्ति, पालन व संहार के कारण हैं। ब्रह्मा जी की प्रार्थना पर सूर्य ने अपने महातेज को समेट कर स्वल्प तेज को धारण किया। सृष्टि रचना के समय ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि हुए, जिनके पुत्र ऋषि कश्यप का विवाह अदिति से हुआ। अदिति ने घोर तप द्वारा भगवान सूर्य को प्रसन्न किया, जिन्होंने उसकी इच्छा पूर्ति के लिए सुषुम्ना नाम की किरण से उसके गर्भ में प्रवेश किया। गर्भावस्था में भी अदिति चंद्रायण जैसे कठिन व्रतों का पालन करती थी। ऋषि राज कश्यप ने क्रोधित होकर अदिति से कहा, तुम इस तरह उपवास रखकर गर्भस्थ शिशु को क्यों मारना चाहती हो? यह सुनकर देवी अदिति ने गर्भ के बालक को उदर से बाहर कर दिया, जो अपने अत्यंत दिव्य तेज से प्रज्वलित हो रहा था। भगवान सूर्य शिशु रूप में उस गर्भ से प्रकट हुए। अदिति को मारीचम
अंडम कहा जाने के कारण यह बालक मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुआ। ब्रह्म पुराण में अदिति के गर्भ से जन्मे सूर्य के अंश को विवश्वान कहा गया है। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि और मरीचि के पुत्र महर्षि कश्यप का विवाह प्रजापति दक्ष की कन्या दीति और अदिति से हुआ। अदिति के गर्भ से सूर्य देव ने पुत्र रूप में जन्म लिया। सभी देवता अदिति के ही पुत्र थे और सूर्य उनके नायक बने और असुरों का संहार किया। अदिति के गर्भ से जन्म लेने के कारण भी इन्हें आदित्य कहा गया। साथ ही अदिति ने सूर्य देव के वरदान से हिरण्यमय अंड को जन्म दिया, जो कि अपने तेज के कारण मार्तंड कहलाया। भविष्य, मत्स्य, पद्म, ब्रह्मा, मार्कंडे, सांब आदि पुराणों में भी सूर्य से संबंधित अनेक कथाएं मिलती हैं।